ये कहानी है मनीष और विशाखा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर मनीष की माँ शीला देवी ने अपनी सहेली को जुबान दे रखी थी कि वो अपने बेटे मनीष की शादी उसकी बेटी मीना से ही कराएगी। मीना और मनीष बचपन के दोस्त थे। मीना बचपन से ही मनीष को बहुत चाहती थी, मगर मनीष मीना को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। एक रोज की बात है, मनीष की माँ शीला देवी मनीष से कहती है, बेटा मनीष, अब तो तेरी सरकारी दफ्तर में नौकरी भी लग गई है। अरे अब तो मीना से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और तू तो जानता है ना कि मैंने मीना की माँ को जुबान दे रखी है कि मैं मीना की शादी तुझसे ही कराऊंगी। माँ आपको पता है ना कि मैं मीना से प्यार नहीं करता, तो फिर आप बार बार मीना से शादी करने की जिद क्यों करती हो? खैर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं तो चला ऑफिस। मनीष ऑफिस जाने से पहले विशाखा के घर जाता है और विशाखा से बोलता है, विशाखा माँ रोज रोज मेरी शादी मीना से कराने के लिए पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम दोनों आज ही मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। मनीष तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, उनके पास मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया तो। विशाखा तुम इन सबकी चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। फिर मनीष विशाखा और उसके पिता को मंदिर ले जाता है, जहाँ वे दोनों शादी कर लेते हैं। मनीष शादी करके विशाखा को अपने साथ अपने घर ले आता है। मनीष तूने इस विशाखा से शादी कर ली, अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी और मीना से कैसे आंखें मिला पाऊंगी? बेटा ये तूने सही नहीं किया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं मीना से नहीं बल्कि विशाखा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे मंदिर में शादी कर ली, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मेरी मीना से शादी करा देती, और वैसे भी मीना बहुत समझदार लड़की है, आप उसे समझाओगी तो वो सब समझ जाएगी। फिर माँ मनीष और विशाखा की आरती करके उन दोनों को घर के भीतर ले जाती है। अगले ही दिन मीना गुस्से से मनीष के घर आती है और मनीष से बोलती है, मनीष तुमने इस विशाखा से शादी कर ली, ये तुमने ठीक नहीं किया, और माँ आपने तो मेरी माँ को जुबान दी थी ना कि आप मनीष की शादी मुझसे कराओगी, मगर आप तो एक नंबर की झूठी निकली। मीना बेटी मेरी बात तो सुन। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, आप सबने मेरे साथ धोखा किया है, देखना आप सभी को मेरी बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी मेरी। ऐसे बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा होता है। बहू के आ जाने से अब शीला देवी को घर के काम से छुटकारा मिल गया था, वे घर का सभी काम अपनी बहू विशाखा से ही कराती थी। एक रोज मनीष विशाखा को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उन्हें मीना मिल जाती है। मनीष मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी तुमने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की? देखना तुम कभी खुश नहीं रहोगे, और न ही तुम्हारी पत्नी और माँ, सभी को मेरी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। ऐसा बोलकर मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मनीष मुझे तो मीना की बातों से बहुत डर लगने लगा है। फिर इसी तरह मनीष और विशाखा की शादी को कुछ दिन और बीत जाते हैं। पर एक दिन विशाखा सुबह तैयार होकर मंदिर जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, पर विशाखा मंदिर से वापस नहीं आती। मनीष रात को ऑफिस से घर आता है तो माँ मनीष से बोलती है, बेटा बहू सुबह की मंदिर गई है पर अभी तक घर वापस नहीं आई। माँ के ऐसे बोलते ही विशाखा आ जाती है और वे किसी से कुछ भी बोले बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू क्या हुआ? मनीष अपने कमरे में जाता है और विशाखा से बोलता है, विशाखा ये क्या हाल बना रखा है अपना, और तुम्हें मंदिर से घर आने में इतनी देर कैसे लग गई? जी वो मैं रास्ता भटक गई थी, बस इसलिए देर हो गई, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी सोना है। फिर सुबह मनीष ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे देखता है कि विशाखा अभी तक नहीं उठी है, इसीलिए वे बिना नाश्ता किए हुए ही ऑफिस चला जाता है। कुछ देर में माँ आती है और देखती है कि विशाखा अभी तक सोई हुई है। माँ विशाखा को उठाते हुए बोलती है, अरे बहू कब तक सोएगी, अब तो सुबह के 10 बज गए हैं, अरे अब तो उठकर हमारे लिए नाश्ता बना दे। रिया कब से अपने कमरे में कॉफी का इंतजार कर रही है, चल जल्दी से उठ और उसके लिए कॉफी बना दे और मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे। विशाखा गुस्से में उठती है और माँ से बोलती है, ए बुढ़िया कब से तेरी बकबक सुन रही हूँ, तू है कि मुझे चैन से सोने ही नहीं दे रही, जब देखो मुझे दुखी करती रहती है, घर का सारा काम मुझसे ही कराती, इसीलिए आज नाश्ता मैं तेरे लिए नहीं बल्कि तू मेरे लिए बनाएगी और रसोई का सारा काम भी तू ही। ए बहू ये कैसी बातें कर रही है अपनी सास से,
लगता है कि तुझे सास वाला रूप दिखाना पड़ेगा। चल जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला, नहीं तो। माँ की बात से विशाखा को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से से विशाखा की आंखें लाल हो जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दिया क्या? आज नाश्ता तू बनाएगी, रसोई का सारा काम भी तू ही करेगी। बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे, मेरी बहू चुड़ैल कैसे बन गई रे? अरे रिया बेटी, जरा देख तो, तेरी भाभी चुड़ैल बन गई। चुड़ैल? ए बुढ़िया, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अपनी बेटी को तू क्या बुलाती है? ते तो मैं मजा चखाती हूँ। जब देखो फोन पर लगी रहती है और अपना सारा काम मुझसे कराती है, इसे तो अभी बताती हूँ मैं। ऐसे बोलकर चुड़ैल रिया के कमरे में जाती है और रिया से बोलती है, अरे ओ रिया महारानी, चलो उठ, खड़ी हो। जब देखो फोन कॉल्स मैसेजेस यही सब में लगी रहती है। माँ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? माँ जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगी। अरे बेटी, ये विशाखा बहू है, ना जाने ये चुड़ैल कैसे बन गई। ए बुढ़िया, मैं तेरी विशाखा बहू नहीं बल्कि चुड़ैल बहू हूँ, चुड़ैल बहू। और अब अगर तूने बकबक की तो मैं तुझे पंखे पर उल्टा लटका दूंगी। चलो अब जल्दी से माँ बेटी घर के काम में लग जाओ और जाकर मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाओ। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी करो जल्दी। माँ और रिया चुड़ैल से डरते हुए रसोई घर में जाकर चुड़ैल बहू के लिए नाश्ता बनाने लगते हैं कि तभी रिया चुड़ैल की नजरों से बचते हुए अपने भाई मनीष को फोन करके सब बता देती है। मनीष रिया की बात सुनते ही जल्दी से घर आ जाता है और विशाखा को चुड़ैल के रूप में देखकर बोलता है, मुझे कल रात से ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना बेटा, ये बहू, नहीं नहीं, ये चुड़ैल बहू हमसे घर का सारा काम करा रही है। अरे मैं तो तेरी शादी मीना से कराना चाहती थी, पर तू तो ये चुड़ैल बहू ले आया। न जाने अब क्या होगा हम सबका। अगर तूने मीना से शादी की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। ए बुढ़िया बहुत बोलती है, रुक अभी तेरा टेटुआ दबाती हूँ। ए चुड़ैल, अगर तूने मेरी माँ को कुछ भी किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी घर पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। अरे ये तांत्रिक बाबा को कैसे पता चला कि हमारी बहू चुड़ैल बन गई है? ये तो हमारे घर पर आ गए। माँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है। जब से विशाखा मंदिर से लौटी है तब से मुझे वो कुछ बदली लगी, और जब रिया ने फोन पर बताया तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि विशाखा पर एक चुड़ैल का साया है। मनीष की बात सुनते ही चुड़ैल मनीष का गला पकड़ लेती है। तू मुझे तांत्रिक से पकड़वाएगा? अरे तुझे तो मैं अभी चुटकी में मसल दूंगी। हाँ। तभी तांत्रिक अपने झोले से भभूत निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए भभूत चुड़ैल पर डाल देते हैं। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल मनीष का गला छोड़ देती है। ए चुड़ैल, तू इस लड़की का शरीर छोड़ती है या मैं तुझे अपनी बोतल में कैद कर लूं? नहीं नहीं, मुझे फिर से बोतल में कैद नहीं होना, मगर मैं इस लड़की का शरीर भी नहीं छोड़ सकती। आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसका शरीर नहीं छोड़ सकती? बता, नहीं तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से अभी बोतल में कैद कर लेता हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने भेजा है ताकि मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश करके घर के सभी लोगों का जीना हराम कर दूं। तांत्रिक चुड़ैल पर भभूत डालते हुए बोलता है, मगर कोई तांत्रिक ऐसा क्यों करेगा? चुड़ैल भभूत के कारण जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, मैं वो सब नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि एक मीना नाम की लड़की ने उस तांत्रिक को ऐसा करने को कहा था, और इसके बदले उस लड़की ने उस तांत्रिक को बहुत सारा सोना दिया था। अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, अब मुझ पर ये भभूत डालना बंद करो। इस भभूत के कारण मेरा पूरा बदन जलने लगा है। मनीष गुस्से से मीना के घर जाता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। मीना, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, अब तो मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूँगा। मनीष, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दो, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेते हैं। विशाखा के ठीक होते ही मीना उससे माफी मांगती है। विशाखा मीना को माफ कर देती है। फिर तांत्रिक बाबा चुड़ैल को बोतल में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं।